वेलकम टू ऐप टॉक। अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को बेसिक से सीखना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज में इस किसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप फॉरेन लैंग्वेज को लर्न भी कर सकते हैं और वर्ड्स के मीनिंग भी पता कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है डुओलिंगो। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए ओपन करिए प्ले स्टोर और टाइप करिए डुओलिंगो। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐप रही। इस ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एब्सोल्युटली फ्री लर्निंग ऐप है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और ये काफ़ी अच्छी ऐप है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये 100 मिलियंस टाइम्स डाउनलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस ऐप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आपको बताता हूँ कि ये ऐप कैसे वर्क करती है और आप कैसे किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। तो ये रही हमारी ऐप। ये ऐप मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी थी और तो इसलिए इसमें डायरेक्ट ये ऑप्शन आ गया है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो आपको दो ऑप्शन रहेंगे कि आपको अकाउंट बनाना है कि आपको सीधा स्टार्ट करना है। तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट बना सकते हो, या आपको बस ऐप का ट्रायल लेना चाहते हो तो आप उसको गेट स्टार्ट करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ इसी तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं, तो हम जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ कि इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो इस ऐप का जो लेआउट रहेगा वो पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं इसका लेआउट जो था वो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे हम कि जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फिर हमारे लिए एक क्विज़ टाइप की ओपन हो जाएगी और इससे क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं और क्या होता है वो। तो यहाँ पे पिक्चराइजेशन भी अवेलेबल है बेसिक के ऑप्शन में कि हम पिक्चर से भी उसको एनालाइज कर पाएँ कि ये है क्या। तो जैसे इसमें लिखा है कि इनमें से छात्र चुनिए। छात्र मतलब अब छात्र से हमारा दिमाग गया कि स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया, उसको चेक करेंगे मैं सही हूँ। मतलब इसने हमको बता दिया कि आपका आंसर करेक्ट है। इसी तरह हम बेसिक में और भी ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जैसे इसने बता दिया कि इनमें से लड़का सेलेक्ट करना है तो हम लड़के पे क्लिक कर देंगे और फिर उसको चेक करके आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे बेसिक की। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन उनके लिए है जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो जैसे ही हम सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसमें भी वही क्विज टाइप का पैटर्न सेम जैसा बेसिक में है। तो यहाँ पे वहाँ पे बेसिक में क्या था, पिक्चराइजेशन था और वर्ड्स से उनका हमको मीनिंग बताना था। यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया है उसको सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है मुझे क्षमा करें, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका आंसर सही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ये और क्लियर होता जाएगा कि आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। आप उसको गलत करेंगे तो वहीं पे गलत करके वहीं रुक जाएगा उसका लेवल, फिर उसके बाद फिर उसी लेवल से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ मैं बात इंग्लिश की नहीं करूँगा क्योंकि इंग्लिश तो सबको वैसे भी थोड़ी बहुत आती ही है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ और भी लैंग्वेजेस की। तो जैसा कि मैं मानता हूँ कि और फॉरेन लैंग्वेज है वो शायद ही किसी को थोड़ी बहुत आती हो, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ हो गई। तो इस ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हो कि दूसरी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीख सकते हो, बेसिक से ही सीख सकते हो। मतलब कि ये सीख सकते हो कि किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इस ऐप से आप इन सारी लैंग्वेज, यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई हैं, तो आप इनको थोड़ा बहुत तो बेसिक से सीख ही सकते हो। इस ऐप को 5-10 मिनट देखे, ज़्यादा ना देखे, तो थोड़ा बहुत भी आप अगर लर्न करोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा कि आप जान पाओगे कि इस लैंग्वेज में इस वर्ड को क्या कहते हैं। तो इस ऐप में फ्रेंड्स इतना ही है और आपको अगर ऐप अच्छी लगे तो आप डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और रेटिंग काफ़ी अच्छी है पहले से। तो यूज़ करके देखिए, डाउनलोड करिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की और भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा और भी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा, जैसे टेक न्यूज़ हो गई और आपको बताता रहूँगा कि किस एप्लीकेशन में क्या अपडेट आया है, क्या नया आया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।